जी मीडिया के खिलाफ शिकायत मामले में दिल्ली पुलिस को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले में दायर पुलिस की चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लेने से इनकार कर दिया है। अदालत ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सबूतों में कई खामियां हैं और पुलिस ने जांच ठीक तरीके से नहीं की। इसके साथ ही अदालत ने क्राइम ब्रांच के डीसीपी को आदेश दिया है कि वो एसीपी रैंक के अधिकारी से मामले की आगे जांच करवाएं। जी मीडिया के खिलाफ सांसद नवीन जिंदल की कंपनी की शिकायत के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी आरोपी पर धोखाधड़ी और अवैध वसूली की दफाएं एक साथ नहीं लगाई जा सकती। ये दोनों दफाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि मामले में धोखाधड़ी के आरोपों को जायज नहीं ठहराया जा सकता है। पुलिस की जांच में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है जिसे देखकर ये कहा जा सके कि मामले में धोखाधड़ी करने की कोई कोशिश की गई थी। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि जांच में खामियां हैं और एसीपी मामले की आगे जांच करें। जो दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी उसके बारे में उसको कंसीडर करते हुए आज कोर्ट ने उस चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लेने से इनकार कर दिया, किसी भी एक्यूज को सम्मन करने से इनकार कर दिया और ये कहा है कि पुलिस उन सारी बातों को देखते हुए, जो भी मुद्दे हमने कोर्ट में उठाए थे उन सारी बातों को देखते हुए, डीसीपी क्राइम को हिदायत दी गई है कि इसकी एसीपी रैंक के लेवल से फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराई जाए और इस पूरे मैटर को दोबारा सामने लाया जाए।